उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ दुर्घटना होने की स्थिति को बढ़ा देता है। अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो पहाड़ टूटने लगते हैं, भूस्खलन हो जाता है, जिससे पहाड़ों की ओर जाने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बना रहता है। कभी पहाड़ों में ज्यादा मोड़ों के चलते भी वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब वहीं एक और ऐसी खबर आ रही है बागेश्वर से, जहाँ शनिवार सुबह एक पहाड़ दरक गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। ये कच्चे पहाड़ जब टूटते हैं तो लोगों के लिए भी मुसीबत पैदा कर देते हैं, साथ ही लोगों में एक डर का भी माहौल बन जाता है। ये टूटते पहाड़ जब सड़क पर आ गिरते हैं तो रास्तों को भी बाधित कर देते हैं। बता दें कि ऐसा ही वाक्य बागेश्वर में भी देखने को मिला, जहां एक पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। ये मलबा सड़क के नीचे बह रही सरयू नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि जब पहाड़ टूटकर गिरा उस वक्त मार्ग पर कोई वाहन नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं बागेश्वर से कपकोट को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। अब मार्ग को खोलने के लिए जेसीबी मंगाई गई है और रास्ते को खोलने का प्रयास जारी है। ये घटना सुबह करीब 6:30 की है। वीडियो सामने आने के बाद अब लोगों में भी भय का माहौल बन गया है।